स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है उनकी करंट फीलिंग्स। कुकर की सीटी बज रही है तो प्लीज़ परेशान मत होना, कुछ ही देर की बात है, बस खाना बनने को है। अब ये मत कह देना कि दीदी हमें भी खाना खिला दो, मुमकिन नहीं है मेरे दोस्त, मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। आज बोल मेडिटेशन नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी देर तक बोल मेडिटेशन चला है आज मेरा। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईगरली डेस्परेटली रिक्वायर्ड रहता है बोल मेडिटेशन, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कहो कि दीदी किया करो बोल मेडिटेशन, हम लोगों को अच्छा लगता है, हमारे साथ ही किया करो, ओके। लेकिन प्रभु का नाम, हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखेंगे कि वो आपके बारे में इस वक्त, इस क्षण करंटली क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। बियर कर लो यार, सबके घर में कुकर बचता है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थोड़ी देर की बात है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आज चाहूँगी कि आप अपने पर्सन को न सिर्फ याद करें, आप उनके बारे में मन ही मन नाम भी लें, उनको बार बार मन ही मन उनका नाम पुकारें ताकि आपकी एनर्जीज को मैं ग्रैब कर सकूँ, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है। रीडिंग जनरल है, जनरल के सब परिजन करें मोस्ट ऑफ टाइम कर जाती है, लेकिन कलेक्टिव है प्लस टाइमलेस है, ठीक है। कभी भी देख रहे हैं आपके लिए ये एनर्जीज जो है एप्लीकेबल हो ही जाती हैं, ओके। और ध्यान रखना, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स बिल्कुल नहीं, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई है, तो थी था इंपॉर्टेंट नहीं है, एनर्जीज पे ध्यान दें, ठीक है। लॉजिक्स यूज़ करें और समझ जाएं कि लड़की के लिए बोल रहे हैं या लड़के के लिए, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग मुझे उनकी बताएं, उनके पार्टनर उनके बारे में करंटली क्या फील कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ वॉन्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आया है, एक सेकेंड ना। कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली कुकर की सीटियाँ बंद हो गई, ठीक है। आई होप शायद बीच में वापस शुरू ना हो जाए। मैं आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ, ठीक है। मुझे साइंस दिखाई दे रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी, लियो एरिस सजिटेरियस भी दिख रही है। आपके पर्सन का बर्थ डेट एक हो सकता है या ये आपका बर्थ डेट हो सकता है, दस, ठीक है, दस या एक बर्थ डेट हो सकता है। क्योंकि एक की एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा, या तो एक हो सकता है या तो तीन भी हो सकता है, थ्री या वन, ओके, दस भी हो सकता है। मतलब आपके बर्थ डेट, आपके पर्सन का बर्थ डेट आप टोटल करेंगे, समझो मान के चलो 21 है उसके बर्थ डेट है, तो 2+1 करो कितना हुआ, 3, ठीक है। तो 3 या 1 आपके बर्थ डेट, आपके पर्सन या आपकी बर्थ डेट भी हो सकती है, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं ये खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप की सिक्योरिटीज़ पे फोकस है, हो सकता है ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अपने आप की ज़िंदगी में सिक्योरिटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है। किसी तरीके की स्टेबिलिटी पे इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है, हो सकता है करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं, डेडिकेटेड दिख रहे हैं। फैमिली में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबको लाइक बोलते हैं ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश, प्रोटेक्ट यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको लाइक मार रहे हो, धाड़ रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, प्रोटेक्ट का मतलब ये है कि ये अपने आप की ज़िंदगी में बहुत सिक्योरिटी से और फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। इनको कुछ ऐसी चीज़ों में मैं देख पा रही हूँ जहाँ पर ये लाइक होता है ना कि किसी चीज़ का आप इनसे रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये रिएक्ट करें, पर ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, चुपके से कोपचे से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुमड़ी में कुमड़ी मालूम है ना कि चुपचाप से निकल जाना, कहीं ना कहीं वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये कोपचे से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि जैसे अपने आप को बचाने की कोशिश है, बचाने की कोशिश क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो, और कहीं ना कहीं इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अब ना सिर्फ आप ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो या हैंडसम हो, लड़के भी हो सकते हो, वरना लड़के बोलेंगे दीदी हम ब्यूटीफुल कैसे। व्हाटसोएवर जो भी है, मैं आपको बता रही हूँ कि काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको अब पता चल गया है कि आप जो है किसी भी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप बहुत पहले एडजस्टेबल थे, अब आप नहीं करेंगे, आपको जो चीज़ गलत लगी तो सामने से जो बैंड आप बजाओगे वो तो क्या ही बताएं, भगवान भी बचाए
जाए आपसे, कहीं वो वाली एनर्जी दिख रही है। आप किसी चीज़ को लेकर इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कोई एक्शन ले या किसी तरीके का आंसर आपको दे दे, लाइक हो सकता है कि काफ़ी हद तक आप इनको चाहते हो कि ये अपनी फैमिली को, बोलते हैं ना फैमिली और आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं तो ये डिसीजन ले और अपनी फैमिली को भी बैलेंस करें, पर साथ ही साथ आपसे भी बैलेंस करना सीखें। आप ये नहीं चाहते कि ये पूरी तरह कम्प्लीटली सबको बॉयकॉट कर दें, आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से सूझबूझ के साथ निर्णय लें, और हमेशा से जो ये बार बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं और झुका रहे हैं कि तुम झुक जाओ, तुम एडजस्ट कर लो, तुम एडजस्ट कर लो, आप चाहते हो कि ये अब एडजस्टमेंट ना बना रहे। आप किसी सिचुएशन में इनसे आंसर्स मांगते हुए दिख रहे हो और ये दुबक कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं या भागती हुई दिख रही हैं। किसी सिचुएशन में खुद को साफ साफ बचाते हुए नजर आ रही हैं और इनको डर है कि आप जो है जाने अनजाने इनको बहुत बड़े लेवल पे फंसा सकते हो, बड़े लेवल पे अटका सकते हो। बड़े लेवल पे क्यों अटका सकते हो मैं बताती हूँ। ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंटिव है वहाँ पर बहुत ज़्यादा धन है, या किसी तरीके का फैमिली का ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है थर्ड पार्टी से इनकी जान निकलती है, इनको डर लगता है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको बोल दिया है कि थर्ड पार्टी के साथ मेरा लाइक डाइवोर्स वगैरह या सो एंड सो ब्ला 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 चीज़ें हो रही हैं, और जैसे ही अब आप देख रहे हो बहुत टाइम से एक्शन नहीं ले रहे, तो अब आप उनको ये कह रहे हो कि क्या हुआ अभी तक लिया क्यों नहीं, तो चलो मैं बात कर लेती हूँ, घर पर दुबक कर ना पहुँच जाओ। इसके चक्कर में ये पर्सन जो है धीरे 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 रास्ते से कोपचे से निकलते हुए दिख रहे हैं। किसी तरीके के सवालों के जवाब अब इनसे मांग रहे हैं तो देने के बजाय ये पर्सन जो है आपको लट्टू की तरह घुमाते हुए दिख रहे हैं, खुल जाते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको चाहते ज़रूर है अपनी ज़िंदगी में, पर किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट के लिए ये फ़िलहाल खुद को रेडी नहीं मानते। इनको लगता है ये फ़िलहाल कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, ये फ़िलहाल आपको कोई सवाल के जवाब नहीं दे सकते। ऐसे में बचकर निकलना ही बहुत ज़्यादा समझदारी की बात होगी। इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मनी मन इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं। ये अपने जीवन में आपको भी खोना नहीं चाहते, उनकी एक प्रॉब्लम है, आपके प्रति इतना ज़्यादा एडिक्टेड है कि ये आपको खोते हुए नहीं देख सकते। जब जब आप अपनी ज़िंदगी में इनको जो है काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हो या कुछ तरीके लेवल में ये करते हो, तो ये रिस्पॉन्स नहीं देते, इग्नोरेंस देना शुरू करते हैं। कई कई बार आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं। उनको लग रहा है कि यार यहाँ भी ना सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे, इस तरीके का कोई एक्शन ले रहे हैं जहाँ पर आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। आपको जो है ये लटकम पटकम में अटका कर बैठ गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ करेंगे अभी कुछ करेंगे, बट जो ये नहीं कर रहे तो ये जो है डर के मारे इस तरह से इस बात से परेशान है कि आप जो है घर पर पहुंच सकते हैं कुछ ना कुछ करते हुए, कोई ऐसा बांडा फोड़ सकते हैं, ऐसा पोपट कर सकते हैं जिनसे इनकी जान कोई बचा नहीं पाएगा। यहाँ से भी पड़ेगी, वहाँ से भी पड़ेगी, लात घुसे बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, कैसे खुद को बचाएंगे। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी वाले हैं या बहुत ज़्यादा गट्सी हैं, क्योंकि वन नंबर है तो मैं समझ सकती हूँ बहुत ज़्यादा रूलिंग और लीडर क्वालिटी बताता है। कहते हैं कि उसमें मैं ज़रूरत से ज़्यादा होता है, मैं मतलब बुरी बात नहीं है, कभी कभी स्वाभिमानी में बहुत अच्छी बात है स्वाभिमानी होना, बहुत ज़्यादा स्वाभिमान बट बहुत ज़्यादा चंचलता, रोमांटिक फ्लर्टिशियस लवी डवी वाला बिहेवियर भी होता है इनका। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे प्यार निभाना चाहते हैं, आपसे रोमांस करना चाहते हैं, आपसे लव भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को या इस प्यार को प्रॉपर तरीके से नाम दिया जाए, या अगर प्यार निभाना है, कंटिन्यू करना है, मेरे साथ रहना है, तो सही तरीके से सही ढंग से रहो। सोसाइटी इमेज के बारे में अगर तुम्हें चिंता है तो मुझे भी चिंता है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मेरे पास भी टाइम नहीं, तो अब आप टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन में हो जहाँ पर आप जो है इनको सीधा करने पर लाइक डिसीजन ले चुके हो और जिसके कारण ये आपसे डर के भाग रहे हैं। अगर ये आप नहीं हो तो ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके डर से ये पर्सन जो है कोई तरीके का रिएक्शन नहीं लेते, किसी तरीके के एक्शन लेने के बजाय दुबक कर कोपचे में बैठ जाते हैं और आपको बोलते हैं मैं एक्शन लूँगा, मैं अभी करूँगा, मैं अभी करूँगी, या कुछ ना कुछ मैं तुम्हारे लिए करूँगी, और कुछ करते वरते नहीं है, आपको सिर्फ लट्टू की तरह घुमाते रहते हैं। कहीं हद तक ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, कुछ लोगों को पिजन्स दिखाई दे रहे हैं या वाइट कबूतर, अब ये मत बोलना दीदी ग्रे कबूतर दिखे तो इसका क्या मतलब, ए भाई ग्रे कबूतर आसानी से दिखते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, तो इस चीज़ को मत शुरू कर देना। ग्रे कबूतर दिखे तो क्या होना होता है, कौए दिखे तो क्या हो, कुछ चीज़ें सिर्फ होती हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो बिना वजह के जो अजम्पशन क्रिएट कर रहे हो मत करो। कुछ लोग हैं मुझे बिना वजह के अजम्पशंस बताते हैं कि दीदी ये हुआ तो इसका अरे जो चीज़ स्वाभाविक है होनी ही है, अब मान के चलो रास्ते पे कुत्ते मिल गए, बिल्ली मिल गई, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अब इस चीज़ को भी साइंस समझोगे क्या, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कर रहे हैं ऐसी बातें। सो नॉर्मल रहने की कोशिश करो। और उसके अलावा मुझे से दिख रहा है कि अगर आपको पिजन्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आपको कमल का फूल कहीं दिख गया, तो समझ जाओ दोस्त मेरे कि आपके पर्सन जो है आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं।
ये आपके सोलमेट हैं, इसलिए आपको बार बार उनके उनकी तरफ से संकेत आता है, उनकी तरफ से एंजल्स की तरफ से मैसेज आता है कि कुछ भी करो लौट के बुद्धू घर को जरूर आएगा। किधर भागेगा, बोलते ना कहाँ तक भागोगे मेरी जान, लौट कर तो यहीं आना है तुम्हें। सो घूम फिर के इनको आप ही की तरफ आना पड़ेगा। कितना भी आपसे छुपेंगे, डरेंगे, इनसिक्योर रहेंगे या कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, बट घूम कर आप ही के पास आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ परिवार को इमेजिन ज़रूर करते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ स्टेबिलिटी हो, आपके साथ जन्म जन्मांतर का साथ हो। बट पंगा ये है बंदे का या बंदी का कि जब कोई एक्शन लेना आता है तो ये सब आपके ऊपर कंधे पर छोड़कर भाग लेते हैं। कहीं ना कहीं वो वाली एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिख रहे हैं, लवेबल दिख रहे हैं। पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई माँ का या बच्चों का भी कनेक्शन है, क्योंकि माँ और बच्चे भी दिख रहे हैं। तो या तो उनसे ये लाचार हैं या प्रेगनेंसी वगैरह का कोई सीन है जिसके कारण ये अटके हुए हैं। ये पर्सन अपने जीवन में ना बहुत ज़्यादा लाइक बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी देने की आदत है। अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये मैं वो, एक आदत है इनको। लेकिन जब करने की बात आती है, लाइक होता है ना कि ये जो है कभी भी हमेशा ये बोलेंगे मैं पुलिस पुलिस से डरता नहीं। अरे मेरे को कोई डर वर नहीं लगता, पुलिस का क्या है, मैं तो ऐसा कर दूंगा वैसा। पर जैसे ही पुलिस सामने आ जाती है तो थर थर कांपते और गायब हो जाते। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी है जहाँ पर दिखते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ और ही है। आपके पर्सन को आपके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए ये सोच भी रहेगी यार ये ना मेरे कंट्रोल से निकलनी नहीं चाहिए, ये निकलना नहीं चाहिए यार, ये बड़ा मैस हो जाएगा, रायता फैल जाएगा अगर ये मेरे हाथ से निकल गई। क्योंकि ये किसी भी सूरत में आपको लूज़ करना, मतलब आपको खो देना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको ये चाहिए कि आप जो है इनके लिए कन्विंस हो जाए, इसलिए पैतरे बाजियाँ करते हैं, कभी आपसे बातचीत बंद कर देंगे या ऑन एंड ऑफ करेंगे, जानबूझ के आपके साथ कोल्ड बिहेव करेंगे, जिसके कारण इनका ये एकमात्र टारगेट होगा कि इससे क्या होगा ना, आप झुक जाएंगे, आप बोलेंगे प्लीज़ मुझसे बात कर लो, हर सूरत में तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, प्लीज़ मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे छोटू बोटू जो भी हो आप, तो मेरी बात मान जाओ, मुझसे बात करो। तो ये जो है अपने बातें मनवाने के लिए आपको आप अभी उस पोजीशन पे हो जहाँ पर आप किसी राजा या रानी से कम नहीं हो। आप भी अब ऐसे हो गए कि ठीक है बेटा चलो ब्रिंग इट ऑन, कि आप वो पोजीशन पे हो जहाँ पे ला मेरे सामने चैलेंज, अब देखती हूँ तेरे को पटक कर रख दूंगी, तेरा दिमाग मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप उस पोजीशन पे हो जहाँ पर आप जो है आप बोल रहे हो कि ठीक है तू कर ले तेरे नौटंकी, मेरे को पता है तेरी नौटंकी खत्म होगी और एट द एंड तेरे ड्रामेबाजियों के बाद तू मेरे पास ही आने वाला है, तुझे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो वो वाली पोजीशन में हो। हाँ आप इस पर्सन से परेशान बहुत होते हो, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि गुस्सा बहुत आता है आपको भी, कभी कभी लगता है क्या मारूँ इसके ऊपर। मतलब बोलते हैं ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इतने सारे पत्थर इकट्ठे करो और उसको एक एक करके मारना शुरू कर दो, बट जैसे ही आपके सामने आते हैं या आती हैं तो आपके वो जो पत्थर है ना फूलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो फूल मारने का आपको बड़ा मन करता है। तो ये जो आप फूल वाली हरकतें कर रहे हो ना, तो ये बड़ी बेवकूफ़ी है, मत करो। आपके पर्सन जो है आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ प्रेस स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनको पुश करना सीखो। पुश करने का मतलब ये नहीं कि इमोशनल ब्लैकमेल या किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग करो, नहीं। पुश करने का मतलब ये है कि अपने आप के लिए ना ऐसे रहो कि जो चीज़ें गलत लगती हैं उसके लिए जवाब देना बंद कर दिया करो। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपको कुछ गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ऐसे में क्या किया करो, नो रिस्पॉन्स, मैसेज पढ़ो रिप्लाई मत करो, मैसेज पढ़ो रिप्लाई मत करो। और उसी तरह अगर इस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया है, बातचीत बंद कर दी है, तो ऐसे में उनको दिखाओगे ठीक है बेटा राह में मुसाफिर और भी है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने उनके, तो उनको यहीं आना है क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़नी ही है ना। एट दी एंड उनको समझ में आना है कि अरे यार ये तो मेरे को पूछ ही नहीं रही, ये तो मेरे को पूछ ही नहीं रहा, भाव ही नहीं दिया। उस दौरान जो है अपनी ज़िंदगी को लय बारी करो और अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करना सीखो। दोस्तों के साथ उठो बैठो, अपने आप को बदलो, ऐसा दिखाओ कि भाई तुमको क्या लगा हम रोते बैठेंगे, हम नहीं रोएंगे, हमारी वो ज़िंदगी नहीं, आओ तो ढंग से आओ वरना ये टाइम पास मत करो। वो वाला एटीट्यूड अपने अंदर रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये पर्सन जो है आपके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता, कि इस वक्त आपको जो है उस सिचुएशन में ज़रूर ला रहा है जहाँ पर आपके सामने एक कौरव एक तरफ खड़े हो गए हैं और आपके पांडव जो है कुछ कर नहीं रहे, यानी कि आपके पर्सन हो सकते हैं जो कुछ कर नहीं रहे। आप जो है इस वक्त तो बहुत बड़ी परीक्षा दे रहे हो, कहीं ना कहीं खुद को सेंटर में मान रहे हो, वो वाली एक वाइब्स आ गई है जहाँ पर आपको लग रहा है कि कब तक मुझे जो है अपना बोलते ना अपने आप को वो बोलते हैं ना सवालों के जवाब या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे या कब मेरे साथ जस्टिस होगा, वो वाली एक दुविधा में हूँ। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आप चाहते हो कि आपके साथ इंसाफ हो और कोई आपको भी प्रोटेक्शन दे, कोई आपके लिए भी
आपको लाइक प्रोटेक्टेड फील करवाए, आपको बताए कि भाई मैं हूँ, जब भी दुख हो ना तकलीफ हो तो आपको कोई बोल सके कि मैं हूँ, मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी मुश्किलों का सामना अरे मिलकर करेंगे। बट अभी आपका ऐसा एटीट्यूड हो गया कि यार इसका नाटक बढ़ता चला जा रहा है, अब इसको सीधा करके रखती हूँ। तो अब ना आप उस पोजिशन पे हो जहाँ पर आप इनको ना अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर रहे हो कि निकल चल, दिमाग मत खा, दिमाग बहुत इरीटेट कर दिया। और ये पर्सन अब चाहते हैं यार एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, एक बार मतलब एक मौका दे दो फिर से जानूँ, मेरी बाबू, मेरी बेबी, मेरी सोना, फिर से इनके अंदर वो वाली एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन जो है आपको पावरफुल बहुत मानते हैं, आप माने ना माने ये पर्सन जो है आपको बहुत पावरफुल मानते हैं, बट आपका ज्ञान भी ये बटोरते ज़रूर, ठीक है ये बता दूँ कि ये पर्सन आपसे ज्ञान बटोरते हैं। यानी कि आप जो भी इनको बताते हो ना कि देखो ऐसा करो ना इससे तुम्हें सक्सेस मिलेगी, या ये काम तुम्हारा अटका है अच्छा तुमको ऐसा करना चाहिए, बट आपके सामने ऐसे बिहेव करते कि अरे बाप को सिखा रही है ये वो करके, लाइक इस तरह बिहेवियर रहेगा जहाँ पे आपको लगेगा अरे एक तो सिखा रही हूँ ऊपर से समझा रही हूँ कुछ इसके भले के लिए समझा रहा हूँ तो ये उल्टा ही ले रही है या उल्टा ही कर रहा है, तो उस तरीके का आपको लगने लगता है। और 4 दिन बाद आपको पता चलता है किया उन्होंने वही जो आपने इनको बोला। तो ये कैसे है ना, आपके पर्सन टेढ़े हैं पर आप ही के, ठीक है टेढ़ा है पर मेरा है, सुना है ना, तो टेढ़ी है और आप ही की है। तो जो ये बंदे हैं ना इनका दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के कुछ और ही हैं, ठीक है तो दो अलग अलग दांत लेके घूम रहे हैं, दो अलग अलग सेट है इनके पास। तो आप इनकी बातों पे मत जाओ, अब जो ये है पैतरेबाजियाँ कर जरूर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप दोनों रिकनसाइल करें, एक ही साथ बैठकर एंजॉय करें, हैप्पी रहें। बट उसके लिए इनको एक्शन लेने के लिए अगर आप चाहते हो कि एक्शन ले तो पुश करो ना मेरी जान, पुश नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी, पुश कैसे करना है ऑलरेडी मैंने आपको मेथड समझा दिया, कोशिशें करो। अगर आप मेरे को बोलोगे दीदी 4 साल हो गए मैंने तो बात नहीं की, मैंने तो देखा भी नहीं, मैंने तो छोड़ दिया, अरे भाई 4 साल तक वेट करने को कहा किसने, 4 साल बहुत होता है, निकल लो अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को हैप्पी रखो, हैप्पी रहना सीखो, हो गया 4 साल बहुत ज़्यादा बात हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा किसी रिलेशनशिप को अगर आपको टाइम देना है तो 6 महीने या 1 साल, उससे ज़्यादा टाइम दोगी मत, उसके बाद बोलो जय राम जी की, जय महाराष्ट्र, बस निकल जाओ। फिर उसके बाद उस सावधान इंडिया का एपिसोड बनाने की जरूरत नहीं है उस रिलेशनशिप को, ठीक है ज़बरदस्ती में उसमें घुसो मत कि नहीं 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 एक दिन हो जाएगा। जो बंदे या बंदी जो है 6 महीने में कुछ ना कर सके, 1 साल में कुछ ना कर सके, वो बंदों से क्या ही उम्मीद कर रहे हो आप, है ना। ये नहीं बोल रहे हो कि रिलेशनशिप 1 साल का ही होना चाहिए, नहीं मैं कह रही हूँ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है लंबे टाइम से चल रही है 4 साल 5 साल, तो अपनी ज़िंदगी जियो ना मेरी जान, क्यों परेशान कर रहे हो खुद को, अभी भी उम्मीद क्यों रखी है इस बंदे से, मैनिफेस्ट करो पर अपने जीवन पर ध्यान दो, फिर देखो ज़िंदगी में चक्रा कैसा घूमता है, ठीक है। यहाँ पर कृष्णदेव बैठे हैं वो न्याय करेंगे, लेकिन वक्त लगता है मेरे दोस्त। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करने की चाहत ज़रूर रखते हैं, आपको लेकर लव बोलते ना इश्क वाला लव वाली फीलिंग ज़रूर है, बट आपके पर्सन आपको मिलेगी टेढ़े हैं, क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं बताओ मुझे, ऐसे पगलेटों को चुन लेते हो आप लोग अपनी ज़िंदगी में। नहीं नहीं दीदी पगलेट मत बोलो, दीदी पगलेट ही बोल दो चलेगा, लड़की है ना पगलेटी, माइंड मत करना। जो लोग बहुत टाइम से मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं उनको पता है कि दीदी बहुत खरी खोटी सुना देती है, कई बार मन में कुछ नहीं रखने का, सब मुंह पे बोल देने का, ठीक है। तो आपके जो पगलेट या पगलेटी जो टेढ़े टेढ़ी जो लड़की आपने चुन ली है या लड़का चुन लिया है, उसने जो है आपके सामने ड्रामेबाजियाँ और नौटंकियाँ शुरू कर दी हैं, तो उनको एंटरटेन करना मतलब जो है छोड़ दो, क्योंकि ये आपको अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ही पावरफुल हो, इसलिए ये आपको खोने नहीं देंगे अपनी ज़िंदगी में। जैसे ही आप बोलते ना वो एनर्जी में रहोगे जहाँ पे चल आपका ऐसा एटीट्यूड होगा कि चल हवा में चल दिमाग मत खा, वो वाली एटीट्यूड में रहोगे फिर देखो कैसे मज़ा आएगा, फिर ये पर्सन ही आपके पीछे कैसे दौड़ते हैं, क्योंकि ये आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं। मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये पर्सन स्टॉक भी करते हैं और आपके पुराने फ़ोटोज़ बार बार देखते हैं, कोई पुराने फ़ोटोज़ या पुराने मैसेज हैं इनके पास जो अभी भी देखते हैं। सो यूनिवर्स मुझे एडवाइस दे मेरे व्यूअर्स के लिए, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, क्या बोला था मैंने, क्या समझाया, कुछ सीखा, देखो यूनिवर्स भी वही कह रहा है, कॉन्फिडेंट रहना सीखो, एटीट्यूड रखो सामने वाले के सामने, जब तक झुक झुक के बोलोगे ना नहीं नहीं तुम मुझे मारो डांटो मुझे तकलीफ़ें दो मैं सह लूँगी, गाय बनना बंद करो, ओके और लड़के हो तो भी गाय बनना बंद करो, ओके मतलब समझ जाओ यार, मतलब सीधी गाय वो जो देवी टाइप की एनर्जी से बाहर निकलो, दुर्गा बनना सीखो अपनी ज़िंदगी में ना, कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो सक्सेस प्राप्त नहीं होगी, इसलिए कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहना सीखो कि यार मेरी ज़िंदगी में मैंने हमेशा बेस्ट ही पाया है, बेस्ट ही पाऊंगी, मतलब ऐसे नहीं सोचो कि कल मेरे को बहुत दुख मिला था तकलीफ मिली थी, नहीं हमेशा ऐसे बोलोगे ठीक है हमेशा बेस्ट मिला है, अभी भी डिजर्व बेस्ट करती हूँ या बेस्ट करता हूँ, बेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहोगे तभी ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर पाओगे,
वरना ऐसे सोचते रहोगे कि दिन भर पूरा रात जो है दिन भर रोते रहोगे और फिर बोलोगे कि दीदी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई, दीदी वो आया नहीं। ए भाई मेरे को ये बताओ, रोने धोने की एनर्जीज में कैसे कोई आ सकता है आपकी ज़िंदगी में? हैप्पी रहोगे तभी तो कोई आएगा, स्ट्रांग रहोगे तभी तो कोई आएगा या आएगी, है ना? आए बड़े वरना शुरू हो जाएंगे, दीदी होता ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा दीदी, वो तो आ ही नहीं रहे। ठीक है, अब ये कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से हैं। मैंने बहुत फास्ट फास्ट रीडिंग करी है, तो अगर आप लोग को फास्ट रीडिंग्स नहीं पसंद तो स्लो वाली रीडिंग देख लो, किसी और टैरो रीडर की भी देख लो, चलेगा यार। ठीक है, वरना कुछ बोलेंगे दीदी फास्ट बोलो, दीदी बोलेंगे कुछ बोलेंगे दीदी स्लो बोलो, तो जो भी है यार एडजस्ट करो। ओके, अभी तो यूट्यूब पे एक ऑप्शन भी आ गया है, आपको पता है स्पीड आगे पीछे करने का? नहीं मालूम तो चेक करो, यूट्यूब पे एक ऑप्शन है स्पीड फास्ट करने का और स्पीड स्लो करने का। ठीक है, उसके हिसाब से चाहिए तो स्लो करो फास्ट करो, पर मेरी मेरे मतलब मुझे ऐसा मत बोलो कि फास्ट करना है दीदी स्लो करना है, जैसा है यार चलने दो। ठीक है, कंफर्टेबल है रहने दो, नहीं तो फिर क्या है, कोई और वीडियो इन्जॉय कर लो, इसमें क्या है यार, ऑप्शन बहुत है अभी, है ना? रिजोनेट कर रही तो देखो इन्जॉय करो। ओके, इन्जॉय करो अगर आपसे कनेक्टेड फील हो रही है। अच्छा, इन्जॉय से मुझे ये बात याद आएगी, अगर आप लोगों के आसपास कुछ पानी पड़ा है तो ये एनर्जीज आप लोगों की बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एक तो मुझे पानी बहुत दिख रहा है, दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें ना थोड़ी सी ग्रीन 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 दिख रही है, तो या तो ग्रीन ग्रास है या कुछ ग्रीन है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनके आसपास ग्रीन या पानी है, तो भाई साहब ये आप बहन जी या आपके लिए है। ओके, तो सबसे पहला मैसेज 111 वेकअप कॉल। मैंने बोला ना वन आपके पार्टनर का भी नंबर हो सकता है, 10 1 बर्थडे हो सकती है या 3 हो सकता है। ठीक है, 111 प्लस कितना हुआ, 3 ना। वेकअप और न्यू बिगनिंग, जाग जाओ मेरे दोस्त, जाग जाओ, यूनिवर्स भी थक गया है आपको जगाते जगाते, वो बोल रहा है उठो मेरी बहन मेरे दोस्त, नींद से जागो, इल्यूजन की दुनिया में से निकलो, ये मत सोचो वो आएगा वो आएगी एक दिन सब ठीक होगा, अरे जो होना होगा वो होगा, ये सोचो कि ठीक है यार जो नसीब में होगा होगा, अब अपनी ज़िंदगी में फोकस किया जाए, कब तक इसके पीछे भागूंगी या कब तक इसके पीछे भागूंगा, जो होना होगा देखा जाएगा, इस तरह सोचकर आगे बढ़ना सीखो। ओके, रिलीज़ नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकलो, पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करो हर स्थिति में, जितने पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे, समझे क्या? दोस्तों के साथ सोशलाइज करो, थोड़ा बिजी रखो खुद को, फ्री रहोगे तो दिमाग चलता ही रहेगा, बार बार उनकी याद आएगी, उनके बारे में सोचोगे, उसको लास्ट ये कपड़ों में देखा था, लास्ट उस तरह मुस्करा रही थी, ये कर रही थी, ये सब चीज़ें सोचोगे। जितना बिजी रहोगे, जितना लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंट में रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा एनवायरमेंट, लाइक आप उतना ही उनको भूलोगे, भूलने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर भूल जाओगे, नहीं, उतना ही डाइवर्ट हो पाओगे, उतना अपने पे फोकस रह पाओगे। 222 भाई साहब, इससे बेहतर मैसेज नहीं हो सकता है, 222 का रिफ्लेक्शन बहुत ही बेहतरीन होता है कि मैसेज आ सकता है, रिकन्सलेशन हो सकता है, रिकन्सलेशन की एनर्जी मुझे आपके कार्ड में भी दिखाया, रिकन्साइल करना चाहते हैं आपके पर्सन, मैरिज की एनर्जीज है, गुड न्यूज़ आ सकती है, पार्टनरशिप मिल सकती है, क्या बात है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सी खुशी है जो छुपा रहे हो, दीदी आ गई जोश में, दीदी आप बीमार अच्छे नहीं लगते, आप जोश में ही गा करो, हमें अच्छा लगता है। 888 मनी अबंडेंस हैप्पीनेस गुड न्यूज़ न्यू जॉब और वर्क। भाई साहब क्या खाया था, कौन सा दिन था, वो क्या चीज़ कर ली, देखो भाई साहब कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस आए, 111 222 888 मनी पैसा हैप्पीनेस गुड न्यूज़, लग रहा है एक साथ बोलते ना देने वाला जब भी देता है देता छप्पड़ फाड़ के, तो एक साथ सब कुछ आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। चक्रा हीलिंग रिक्वायर्ड, अपने चक्रास को हील करो, हील मींस क्या होता है, मेडिटेशन करो। अब मेरे को मालूम है सुनेंगे सब, करेगा कोई नहीं, अरे नहीं कर सकते, ज़्यादा तो ब्रेसलेट ले लो, इतना तो करो, ब्रेसलेट लेने के लिए तो कम से कम एफर्ट डालो, वो आपके चक्रा हीलिंग्स के लिए तो होते हैं। अब ये भी याद रखना कि ब्रेसलेट नकली असली बहुत सारे होते हैं मार्केट में, ठीक है, इस मार्केट में नकली और असली का पता लगाना आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आधे से ज़्यादा लोग नकली ही भेज देते हैं और पता भी नहीं चलता है कि स्टोन रियल है कि नहीं। अब ये बोलोगे दीदी रियल है वो कैसे पता चले, अरे मेरे भाई बहन उसके लिए लंबी वीडियो बन जाएगी मेरी, सिर्फ इतना सा समझा देती हूँ, बाय करना है आपकी मर्जी है, मेरे को ये मत बोलना कि दीदी सेल कर रही है या क्या, लेकिन सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, अगर ब्रेसलेट जेन्युइन पता करना है तो मुझे एक ही बंदे का पता था जिससे मैंने लिया था, खुद बाय किया था, और जिसके कारण मतलब जिसका मुझे एनर्जी समझ में भी आया था, जिसने पूजा पाठ वगैरह सब जो है मेथड चेक किया था, जिसका ओरिजिनल पता था, उसका नंबर मैंने ऑलरेडी वीडियो पे दे दिया है, चाहिए आप उनसे मंगाओ, नहीं चाहिए कहीं और से मंगाओ, आपकी मर्जी है, पर देख लो कि जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, फेक ब्रेसलेट लेकर बैठ मत करो कि ये चीज़ें होंगी, एटलीस्ट हीलिंग करो, ठीक है, चक्रा हीलिंग रिक्वायर्ड है, मेडिटेशन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ब्रेसलेट वेयर करो मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब दूसरा मैसेज, ये पहले देख लीजिए, मैं तो सॉन्ग गाना है,
फैमिली और थर्ड पार्टी इश्यूज, तो आप दोनों के बीच में जो नाटक चल रहा है ना, वो फैमिली या थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत नौटंकी चल रहा है ऐसा लग रहा है। आप लोगों की लाइफ में ना, क्योंकि सास कभी बहू थी वाला ऐसा चल रहा है, लाइक सीरीज जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, उसके भी एपिसोड शायद 300 या 500 से ज़्यादा हुए थे ना, लग रहा है अपनी ज़िंदगी में वही कहानी घसीटती चली जा रही है। हर दिन जो है तुलसी और मीर के बीच में कोई ना कोई आता है, कभी कोमालिका आती है, कोमालिका वाली स्टोरी थी ना, क्या पता मैंने लगता है मिक्स कर दी है कोई कहानी, मुझे आइडिया नहीं, मैंने बहुत सालों पहले देखी थी सीरीज, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उनका उनका रायता फैला हुआ है। डोंट वरी, अगर आपका कर्म नेक है, आप अच्छा कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड हो, अलर्ट हो और अच्छे कर्मों के ही मालिक हो, किसी का कभी बुरा नहीं सोचते या बुरा नहीं बोलते, तो भाई साहब या बहन जी लॉटरी तो आप ही की लगेगी फिर, ठीक है। मुझे मगेरे सावन सुलग सुलग जाए मन, ये आज इस मौसम में लगे से ये अगन। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, ये रोमांस की बात कर रहा है, ये आज के मौसम की बात कर रहा है। हो सकता है आपके यहाँ बारिश हो रही है तो ये आपको बारिश होते ही और याद करते हैं, या सर्दी होते ही और याद करते हैं और बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सॉन्ग आपसे कनेक्टेड है। सुनिएगा ज़रूर, इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। गीत के बोल मुझे नहीं पता, शायद अमिताभ बच्चन ने गाया, क्योंकि उस सॉन्ग में तो अमिताभ बच्चन था तो मुझे नहीं पता, मजाक कर रही हूँ, किसी और ने गाया होगा, मुझे नाम नहीं मालूम सिंगर का, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक ऑब्वियसली चिपका ही डाले, वेट मत करो, रुकते क्यों, फटाक से चिपका दिया करो, ओके। सब्सक्राइब कर तो लिया ही होगा मेरे दोस्त, अगर कर लिया तो थैंक यू सो मच, अपन दोनों अब दोस्त हो गए, फैमिली हो गए, अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो जल्दी, वेट किस चीज़ का, फटाक से करो, अरे मेरे दोस्त मर्जी हो तभी ही सब्सक्राइब करना, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं, वरना शुरू हो जाएंगे दीदी सब्सक्राइब किया था, ये किया था, वो किया, जो सही लगे वो करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स का, क्रिस्टल का, जो भी चाहिए, इवन टैरो डेक्स चाहिए, वो सब चीज़ों का मैंने लिंक डाल दिया है, बाय कर लो, जिसको भी जो बाय करना है, ठीक है। और ब्रेसलेट का भी डाल दिया, उधर बाय कर लो। इंस्टाग्राम पे भी मैं आती हूँ, लाइव अटेंड कर रही हूँ, सेशन मिस कर रहे हो, बहुत लोग अभी तक वहाँ पर आए नहीं हो, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, बहुत मज़े चल रहे हैं, मिस कर रहे हो आप इन चीज़ों को, मत करो मिस, ठीक है। दूसरा यस, मैं अभी 30 सितंबर तक जो है अपनी पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ, 30 के बाद में पर्सनल रीडिंग लेना शुरू कर दूँगी, तो आप लोग तब बुक करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। ध्यान रखना, चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती किसी भी कारण से, और व्हाट्सअप करना होता है कॉल में, ठीक है। सो मेरे दोस्त, चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।